हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम रिजल्ट 2021 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी विवादों से गुजरने के बाद यहां पर यूपी ने एनएचएम की भर्ती को यहां पर जो है जारी किया गया था, जिसमें कि काफ़ी सारे पोस्ट थे यहां पर, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीसियन, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट होम की काफ़ी सारी यहाँ पर वेरियस वैकेंसी थी जिसमें कि आप सभी ने अप्लाई किया था। पर यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ 4100 के पद निकाले गए थे, जिसको यहाँ पर दो पार्टीशनों के अंदर, दो डिवाइडों के अंदर जैसे निकाला गया था, जिसमें कि पहला पोस्ट जिसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी जनवरी के अंदर, जिसमें कि 2700 पोस्ट थे, और सेकंड एग्ज़ाम आपकी फरवरी में कंडक्ट कराई गई थी जिसमें कि 1017 पोस्ट थे। यहाँ पर दोस्तों अगर टोटल पोस्ट होते हैं 4100, यानी कि दोस्तों लाखों विद्यार्थी इसके अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। अब लाखों विद्यार्थी अपनी यूपी एनएचएम रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एनएचएम विभाग की तरफ से जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाता है, चाहे वो किसी भी भर्ती की हो। पर यहाँ पर आप सभी के लिए लगभग 3 से 3.5 महीना हो चुके हैं, पर एनएचएम विभाग की तरफ से, यूपी एनएचएम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, चाहे नोटिस है, वो अभी तक जारी नहीं किया गया था। जैसा कि दोस्तों विवादों में इस बात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित किया जा रहा था कि एनएचएम विभाग लॉकडाउन की वजह से पूरे तरह से वर्क नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से आप सभी के रिजल्ट में कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा था, जिसको लेकर कैंडिडेट ने हैशटैग चलाकर यूपी एनएचएम रिजल्ट जारी करो लेकर हैशटैग भी चलाया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने इस चीज को मुहिम भी चलाया था। पर यह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होता तो आज आपकी जो है रिजल्ट वो पूरी कर दी जाती है। यहां पर दोस्तों एनएचएम विभाग की तरफ से बार बार ये मुसीबतें आनी पड़ती हैं, चाहे रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यहां पर राजस्थान के एनएचएम विभागों को भी। पर दोस्तों यूपी एनएचएम विभाग की रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुई, क्या वजह है, और क्या रिजल्ट जून में जारी होगा या नहीं होगा, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि 2700 पोस्ट और यहां पर 1400 पोस्ट के लिए यहां पर कब रिजल्ट जारी किए जाएंगे, और ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रिजल्ट जारी किए जाएंगे अलग अलग डेटों पर, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है, आपकी रिजल्ट कब तक आएगी, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन जुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा समय और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जो आपके लिए हम एक बेहतरीन वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर सके। इसलिए दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि आपको कौन सी अपडेट या किस अपडेट पर आपको यहाँ पर जो है विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर तो इस चीज़ को लेकर कचड़ा कर दिया गया है कि एनएचएम विभाग की जो रिज़ल्ट है यहाँ पर अभी आ रही है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होगी, यहाँ पर अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, इस चीज को लेकर एकदम कचड़ा कर दिया गया है। डेली यहां पर हजारों वीडियो ऐसी अपलोड हो रही हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आज आ रही है रिजल्ट, कल आ रही है रिजल्ट, परसों आ रही है रिजल्ट, तरसों आ रही है रिजल्ट, पर यहां पर उनके पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ व्यू पाने के लिए उन्होंने ऐसा अपडेट बना दिया है। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे कि आखिर एनएचएम विभाग, यूपी एनएचएम विभाग की तरफ से क्या अपडेट आ रही है, और यहां पर क्या आप सभी के लिए जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया है वो यहां पर कब जारी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली मैं आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला तो नहीं हूँ कि इस समय आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो सोशल मीडिया के अनुसार और काफ़ी सारे जो है काफ़ी डेवलप्ड वेबसाइट जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, उन सभी को लेकर एक अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिज़ल्ट क्या आने वाली है। अगर दोस्तों आपको मेरिट की वीडियो चाहिए तो आप मेरिट की वीडियो भी आप हम कमेंट के बता सकते हैं, मेल और फीमेल की अलग से यहाँ पर आपको मेरिट के अनुसार जो है आपकी कटअप बता दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपकी रिजल्ट, यानी कि आपकी रिजल्ट कब आएगी एएनएम की, यहां पर लैब टेक्नीशियन की, और जो यहां फर्स्ट फेस हुआ था, सेकंड फेस हुआ था, उसकी रिजल्ट कब आएगी। यहां पर दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यानी पत्रिका न्यूज के अनुसार जो आपकी अपडेट बताई जा रही है, जो आपकी अपडेट बताई जा रही है कि वो जून के 4th वीक में आपकी यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। जारी आपकी जल्द ही हो जाती यहाँ पर आपके सेकंड वीक
ही में हो जाती है, पर आपको पता है कि अनलॉक की प्रक्रिया अब काफ़ी सारे राज्यों में हो चुकी है, जिसके अंदर विभागों को 100% काम करने के लिए तो नहीं बुलाया जा रहा है, पर यहाँ पर 25% यहाँ पर जो है कर्मचारियों को वर्क करने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको पता है कि लाखों कैंडिडेट ने इसके अंदर अप्लाई किया था, जिसके कारण रिजल्ट बनाने में थोड़ा तो समय आपको लगेगा ही, क्योंकि विभाग 25% ही काम कर रही है, तो जिसके अंदर काफ़ी सारी नई भर्तियां भी हैं, जिसके अंदर टाइम लगने वाली है, क्योंकि NHM की अकेली ही भर्ती नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड की भर्ती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता है मेडिकल फील्ड को यहां पर जल्द से जल्द जड़ से बरियार करना है, कि किसी भी तरह से मेडिकल फील्ड कमज़ोर ना रहे, तो इस चीज़ को लेकर जल्द ही आपकी रिजल्ट जारी की जाएगी। पर यहां दोस्तों अगर 100% वर्क होता तो आपके सेकेंड वीक तक NHM विभाग के तरफ से आप सभी रिजल्ट जारी कर देता, पर यहां 25% कार्यालय खुलने के लिए यहां पर कर्मचारी आने के चलते जो आपकी रिजल्ट है यहां पर जो है कहा जा रहा है कि पत्रिका न्यूज के कारण। यहां पर दोस्तों हम अपने मन से आपको या मनगढ़ंत यह चीज नहीं बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पत्रिका न्यूज या जो अपडेट आती है उसके अनुसार हम आपको यह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो आपकी रिजल्ट है वो यहाँ पर जून के 4th वीक में आपको कभी भी जारी हो सकती है। हो सकता है कि जून के पहले ही दिन 4th वीक का पहला ही दिन हो जाए, या जून का 7वां दिन भी आपको रिजल्ट जारी हो सकती है। इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, इसके बारे में जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन आएगी हम आपके लिए एकदम प्रॉपरली अगर नोटिस आती है तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि NHM विभाग की हर छोटी या बड़ी अपडेट पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा, चाहे वो छोटी अपडेट हो चाहे वो बड़ी अपडेट हो। अगर रिजल्ट से जुड़ी हुई हमारे पास एक अपडेट भी आएगी तो वो अपडेट आपको यहां पर जानने का पूरा हक है, क्योंकि आपने हमारे चैनल पर विश्वास किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और यहां पर आपको हर एक अपडेट का पता होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों अगर हमारे पास और कोई भी अपडेट आती है तो हम अपने चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक जरूर अपडेट को उस शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या मेरिट के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट पर मेरिट को ही यहां पर बताया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि NHM UP NHM के कैंडिडेट लगभग 500 कैंडिडेट प्लस जो है जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएँ, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से नई नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वहां पर अपडेट मिल जाएगी। और साथ ही जो भी आपकी पल पल की अपडेट रहेगी, चाहे वो न्यूज़पेपर की अपडेट आ रही है, जैसा कि मैंने अभी टेलीग्राम पर भी डाला था कि पत्रिका न्यूज़ की ये अपडेट आ रही है कि NHM विभाग की जो रिजल्ट है इस समय जारी होने वाली है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों फिर कोई अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, और अगली अपडेट उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट की ही हो, फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर की अपडेट हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।